नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट और के एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज भी हम लोग के लेकर आया बहुत सी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। तो चलिए शुरू किया जाए इसका टेक न्यूज। आज के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi ने आज अपने बहुत सारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, जैसे कि 4K टीवी, फुल HD टीवी, MI वाटर प्यूरीफायर, MI साउंड बार, MI लैम्प, Mi Band 4, ये सारे प्रोडक्ट। और ये जो टीवी लॉन्च हुआ है, स्पेशली जो 4K टीवी लॉन्च हुआ है, उसका प्राइस बहुत ही बढ़िया है। और तीन 4K टीवी लॉन्च हुआ है, इन तीनों 4K टीवी का जो सीरीज है वो है MI TV 4X। और इस टीवी सीरीज का मुझे सबसे बढ़िया चीज लगा इसका स्पेसिफिकेशन। अब आपको एक 43 इंची 4K टीवी, वो भी HDR डिस्प्ले वाला, आपको मिलेगा 25,000 रुपए में। तो देख सकते हैं कि टीवी के मार्केट में भी कितना एग्रेसिव प्राइसिंग हो रहा है। चौथा जो टीवी लॉन्च किया है वो एक फुल HD टीवी। वैसे Xiaomi ने जो साउंड बार लॉन्च किया है उसका प्राइस है 5,000 रुपए, जो Mi वाटर प्यूरीफायर लॉन्च किया है उसका प्राइस है 12,000 रुपए, और Xiaomi का एक बल्ब लॉन्च हुआ है उसका प्राइस है 500 रुपए, और Mi Band 4 जो कि लॉन्च हुआ है 2300 रुपए। वैसे ये सारे प्रोडक्ट बहुत ही कमाल के स्पेसिफिकेशन और एकदम परफेक्ट प्राइस के साथ लॉन्च हुआ। आज का अगला न्यूज है Realme की तरफ से। आपको तो पता है कुछ दिन पहले इंडिया में Realme XT लॉन्च हुआ, तो चाइनीज लोगों के लिए क्या, तो Realme अब Realme X2 नाम का एक स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च करेगा, जो कि कहा जा रहा है कि Realme XT का बस रीब्रांडेड वर्जन होगा। मतलब Realme XT जिसका इंडिया में नाम है X और T, चाइना में लॉन्च होगा X2 नाम से। लेकिन Realme अगर इस बार भी वही सेम करता है कि इंडिया के लिए हाई प्राइस लेकिन चाइना के लिए बहुत ही लो प्राइस, तो ये बहुत ही बुरा काम करेगा, जैसे कि Realme ने Realme 5 और Realme 5 Pro के लिए किया था। तो अगला न्यूज है जियो की तरफ से। ट्राई की तरफ से ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि अगस्त के महीने में सारे टेलीकॉम ऑपरेटर में से सबसे ज्यादा डाउनलोड स्पीड था जियो का, वो स्पीड था 21.3 Mbps। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि ये रिपोर्ट कितना सही है कितना झूठ है। मुझे तो अब तक कभी भी जियो के 4G स्पीड में 4 या 5 MB से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं मिला। अगर आपको 21 Mbps डाउनलोड स्पीड मिला है जियो की तरफ से, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज बताइए। और जो अपलोड स्पीड में नंबर 1 है वो है वोडाफोन। तो वीवो ने अपने कमाल का वायरलेस ईयरफोन लॉन्च किया है, और जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं दिखने में बहुत ही बढ़िया है, और इसका प्राइसिंग है 999 yuan। मतलब इंडिया में लॉन्च होगा तो इसका प्राइस होगा 10,000 रुपए के आसपास। तो देखते हैं कि वीवो का ये प्रीमियम ईयरफोन क्या इंडिया में लॉन्च होता है या फिर नहीं। अगला न्यूज है वीयू की तरफ से। आपको पता है वीयू एक बहुत ही बड़ी एक स्मार्ट टीवी कंपनी है, जो कि जनरली अपने प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करता है, फ्लिपकार्ट में भी सेल करता है। वीयू ने अपने एक नया स्मार्ट टीवी सीरीज लॉन्च किया जिसका नाम View Ultra Android TV, और इसका तीन मॉडल लॉन्च हुआ है, एक HD, दूसरा फुल HD, तीसरा भी फुल HD। वैसे इसका क्या प्राइस होगा इसके बारे में कोई पता नहीं, लेकिन 28 सितंबर को ये Amazon एक्सक्लूसिव लॉन्च होगा। तो 23 सितंबर को Flipkart में Asus ROG Phone 2 लॉन्च हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है एक बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है, और अभी वर्ल्ड का सबसे पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन इसे कहा जा सकता है। तो देखते हैं कि Asus अपने स्मार्टफोन आखिर किस प्राइस रेंज में लॉन्च करता है। तो Instagram में Facebook के द्वारा एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसके वजह से आप बहुत सारे गाना सुन सकते हो, या फिर आपका कोई फेवरेट गाना है तो आप अगर उसे फेसबुक में सेट कर दो तो आप उस गाने को इंस्टाग्राम में भी सुन सकते हो। आज इंडिया में Honor Play 3e नाम का एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, जिसका प्राइस है 7,000 रुपए, और आप कह सकते हैं कि एक एंट्री लेवल Huawei की तरफ से स्मार्टफोन है। इसका स्पेसिफिकेशन है 5.7 इंची HD+ डिस्प्ले, 2GB रैम, 32GB मेमोरी, और एक 3GB रैम, 64GB मेमोरी, 13 MP बैक कैमरा, 5 MP फ्रंट कैमरा, हीलियो P22 और 3000mAh बैटरी। वैसे अगर Huawei की बात करें तो ये जो स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन और प्राइस कॉम्बिनेशन है, मैं इसे बिल्कुल अच्छे भी नहीं कह सकता, बिल्कुल बुरा भी नहीं कह सकता, मतलब मीडियम Huawei के नज़र से ठीक ठाक है। अगला न्यूज़ है Apple की तरफ से। तो Apple iPad Pro बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें हो सकता है Apple A13X चिप हो, क्योंकि आपको पता है कि Apple iPad Pro में हमेशा सबसे लेटेस्ट चिप होता है। लेकिन इसका जो मुझे एक चीज बुरा लग रहा है, इसका कैमरा को देखिए, दिखने में एकदम थर्ड क्लास लग रहा है। अगर एक कैमरा का जो बम्प वो थोड़ा सा एकदम स्क्रीन के साथ मिला हुआ होता तो बहुत ही बढ़िया होता, लेकिन ये जो अभी कैमरा का सेटअप दिख रहा है ये एकदम बुरा दिख रहा है। वैसे आपके ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। HMD ग्लोबल मतलब नोकिया की तरफ से ऐसा न्यूज है कि बहुत ही जल्द इंडिया में नोकिया 7.2 लॉन्च होने वाला है। वैसे इसका प्राइस होगा 15,000 से 20,000 के अंदर। इसका स्पेसिफिकेशन है 6.3 इंची फुल HD+ डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 660, 6GB रैम, 120GB मेमोरी, 48 MP ट्रिपल कैमरा सेटअप, 20 MP फ्रंट कैमरा, 3500mAh बैटरी। वैसे अगर ये स्मार्टफोन 20,000 भी नहीं
15 से 17 हज़ार के बीच में भी लॉन्च होता है तो नोकिया की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन साबित हो सकता है। तो अगला न्यूज बहुत ही कमाल का है, मतलब मुझे तो कहने में ही हंसी आ रहा है। तो गुजरात गवर्नमेंट एक नया कॉम्पिटिशन रखने वाला है, कौन कितने बढ़िया तरीके से पाच सकता है, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं। एक नया तरह का चैंपियनशिप है जिसे कहा जा रहा है फर्स्ट एवर फार्टिंग कॉम्पिटिशन, मतलब कौन कितने अच्छे तरीके से पाच सकता है, ये भी एक क्वालिटी है और ये कंपटीशन भी होगा। तो रशिया का एक वायरस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उसमें आग लग गया और एक डिपार्टमेंट है वो पूरा ब्लास्ट हो चुका है। क्या आपको पता है वो डिपार्टमेंट कौन सा था? वो डिपार्टमेंट वही था जहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस को रखा जाता है, जैसे कि इबोला, एंथ्रैक्स और दूसरे तमाम वायरस को वहाँ पर एज ए सैंपल रखा जाता है। तो अब इसके ऊपर चर्चा हो रहा है क्योंकि ये डिपार्टमेंट पूरा ब्लास्ट हो चुका है, जो भी वायरस था वो पूरा बिखर चुका है। तो वायरस को पता ही है इंसानों के शरीर से या फिर दूसरे पक्षी या फिर जानवरों की मदद से इधर उधर जा सकता है। तो क्या इससे ये सारे वायरस फैल जाएगा, ये तो आने वाले व्यक्ति बताएगा। तो ब्राजील के कुछ साइंटिस्ट मच्छरों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसे कि मच्छरों की वजह से जो खतरनाक बीमारी फैलता है, जैसे कि येलो फीवर जैसा सबसे खतरनाक बीमारी है, जिसे कि वो बीमारी ना फैले इसीलिए कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर बना रहे थे। तो ऐसे 4,50,000 मच्छर को बना के छोड़ा गया, लेकिन अब ऐसा पता चल रहा है उन सारे मच्छरों का कोई तो पता नहीं, लेकिन अब उस शहर में कुछ नया तरह का मच्छर दिखा गया है जिसका जेनेटिक कंडीशन नॉर्मल मच्छर से अलग है। तो हम कह सकते हैं कि उस शहर में अभी जो नया मच्छर दिखा गया है वो म्यूटेंट मच्छर है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि वो सारे मच्छर अगर किसी को काट ले तो उससे जो बीमारी होगा वो कितना खतरनाक होगा। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि साइंटिस्ट जो चीज़ करने की कोशिश कर रहे थे वो तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि उनके ऊपर ही ये बैकफायर कर गए पूरा प्लान। तो आज का टेक न्यूज़ यही था, उम्मीद आज का न्यूज़ आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।